इसी मतलब फैक्ट्री में आ चुके हैं, नॉनवेज की फैक्ट्री में, फूड फैक्ट्री है हमारा, फूड फैक्ट्री टाइप की है। इतने सारे क्वांटिटी में ये अलग अलग जो रोस्टेड आइटम है वो सारा कुछ तैयार करके रखा गया है। देख सकते हैं कि जो सीख कबाब है वो सब इधर रखा हुआ है और बगल में इसे ऐसे फ्राई किया जा रहा है और एकदम लग रहा है कि आज हम लोग किसी फैक्ट्री में आए हैं। जिस तरीके से यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है खाने का, लग रहा है कि हम लोग किसी फैक्ट्री में आए हुए हैं। पूरा इंजॉय बोनट पे रख के खाते हैं और फुल्ली इंजॉय करते हैं। ढाबा का मजा भी तो तभी है ना, प्रॉपर एसी में बैठ के। भाई ढाबा ढाबा कहाँ रहा? नहीं नहीं, यहाँ तो लोग पसीना निकलते रहते हैं। ये क्या डाल रहे हैं इसके ऊपर? क्रीम है, ये क्रीम डालेगा। इसके बाद अभी बिहार के हुए हैं? हाँ जी, हम सीतामढ़ी जिला गए। अरे सीतामढ़ी जिला के, देखिए हम लोग भी वहीं गए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और एक वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं राजेंद्र दर ढाबा का, ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। और जो लास्ट वीडियोस में नहीं दिखाए थे वो आपको इस वीडियो में हम लोग दिखाने वाले हैं। लोकेशन वगैरह फिर से बता देते हैं, दिल्ली के सफदरजंग जगह में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं। चलते हैं अंदर, जो बाकी का चीज़ है वो आपको दिखाते हैं, ट्राई करते हैं, स्वाद जो है वो बताते हैं। अभी तक हम लोग देखे जो करी सेक्शन था वो, जो तवा सेक्शन था वो, अब कहाँ हम लोग जाने वाले हैं? अब ये फ्राई आइटम्स और तंदूरी आइटम जो स्नैक्स है, अच्छा वहाँ हम दिखाते हैं। फ्राइड आइटम और जो स्नैक्स आइटम वगैरह है, तंदूर का स्नैक्स। और इसी चीज़ से शुरुआत हुई थी ना इस ढाबे की। देख सकते हैं कितना ज़्यादा बिजी सा किचन है, लगातार लोग काम पे लगे हुए हैं, लगातार पैकिंग वैकिंग चल रहा है। अब अंदर चल के आपको अंदर में दिखाते हैं। ये देखिए क्या बेहतरीन सा यहाँ नज़ारा है, ये देखिए एकदम फ्राई किया जा रहा है। हम पहुँच गए फ्राई आइटम, यही फिश फ्राई से शुरू हुआ था हमारा। अच्छा, आज से मतलब कि 54 साल पहले, यानी कि 1968 को शुरू किया था, फिश फ्राई और विंग्स फ्राई से शुरू किया था 1968। हाँ जी, हाँ जी, फिश फ्राई और विंग्स फ्राई से स्टार्ट हुआ था। और आज कहाँ पहुँच चुका है ये देखिए, यहीं से। और अंडा फ्राई भी है, अंडा पकौड़ा होता है, वो सब भी है। लगातार जो है फ्राई किया जा रहा है। ये बगल में ये क्या फ्राई हो रहा है? इसमें कबाब फ्राई है, सीख कबाब, मटन कबाब, चिकन सीख कबाब जो है ना, वो फ्राई में भी पसंद करते हैं, तंदूर में भी पसंद। अगर सारा कुछ मतलब हाफ फ्राइड है क्या वो? हाँ, फ्राई किया करके रखते हैं, हाफ फ्राइड करके रखते हैं, जैसे हो रहा है फुल डन करके फिर देते हैं। मतलब सब कुछ यहाँ डबल फ्राई होता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बेहतरीन सा ये नज़ारा है। इधर ये जो सीख कबाब है इसे फ्राई किया जा रहा है। सीख कबाब हम लोग आमतौर पे कहीं भी देखते थे तो वो रोस्टेड देखते थे। रोस्टेड भी है यहाँ पे। अच्छा, फ्राइड भी है? कस्टमर का डिमांड है, फ्राई वाला चाहिए तो देते हैं उसका। अब बहुत से लोग पसंद भी करते हैं। अब ये यहाँ पे हमारा तंदूर स्नैक्स जो है, इधर जो है ये हो गया स्नैक्स आइटम। और ये आप देखिए, इधर देखिए चिकन टिक्का है, हाफ डन किया हुआ है। अच्छा, चिकन भर रहा है, मटन भर रहा है, ये टंगड़ी कबाब है, मलाई टिक्का है, मलाई टंगड़ी कबाब है। अच्छा, मखमली फिश टिक्का है, उसके बाद में फिश टिक्का है, तंदूरी चिकन है, अफगानी चिकन है, ये सारे हम हाफ डन करके रखते हैं। कलमी कबाब भी है। ये हम लोग को लग रहा है किसी, हम लोग किसी रेस्टोरेंट में नहीं, किसी मतलब फैक्ट्री में आ चुके हैं, नॉनवेज की फैक्ट्री में। फूड फैक्ट्री है हमारा, फूड फैक्ट्री टाइप की है। इतने सारे क्वांटिटी में ये अलग अलग जो रोस्टेड आइटम है वो सारा कुछ तैयार करके रखा गया है, सब कुछ है। और हाफ डन करके रखे हैं, जैसे जैसे डिमांड आते हैं कस्टमर का वैसे वैसे फुल डन करके हम सर्व करते हैं। तो बहुत बेहतरीन। तो अभी तक तो आपको दिखाया जो नॉनवेज कबाब था वो, और जो शेफ है वो बता रहे हैं कि यहाँ का स्पेशलिटी है ये दही के कबाब। दही के कबाब है, बहुत फेमस है ये। तो ये आप लोग एक तरह इक्विपमेंट है जिससे कि दही का कबाब बनता है? हाँ जी, हाँ जी, दही का कबाब बहुत फेमस है और बहुत से लोग पसंद करते हैं इसको। वेज को है ही, साथ ही साथ वेज का भी अच्छा अच्छा ऑप्शन है। वेज भी, वेज वाले तो वेज ही खाएंगे, पर वेज का भी स्कोप है हमारे पास में। बहुत से वेज का कबाब है, जैसे पनीर टिक्का, पनीर मलाई टिक्का, उसके बाद में सोया अचार, ये सोया मलाई वेज फ्लेटर, बाकी चाइनीज का वेज आइटम सब है। तो वेज में भी है, ऑप्शन है, बहुत खाते हैं जो है। ये हाफ डन किया, हाफ डन करते हैं, जैसे कि हमने मैगनेट करके रखे हैं 4 घंटा पहले, उसके बाद में हम यहाँ हाफ डन करते हैं, उसके बाद में वहाँ रखते हैं, उसके बाद में भी फुल डन करते हैं। तो 4 घंटे के लिए मैरिनेट किया जाता है? 4 से 6 घंटे मैगनेट करके रखते हैं हम, सुबह आके मैगनेट करते हैं सारे में, उसके बाद में अभी हाफ डन करते हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होते हैं वैसे वैसे हाफ डन भी करते हैं। और यहाँ पे फुल डन किया जाता है? यहाँ पे फुल डन किया, जैसे कि ये अफगानी चिकन है, मलाई टिक्का है, फुल डन हुआ और ये सर्व के लिए जा रहा है। अच्छा,
तंदूर भी आपका स्पेशल टाइप का लग रहा है। हाँ हाँ, स्पेशल बनाना पड़ता है। ये तंदूर खुद से बनाया हुआ है? हाँ, खुद से बनवाया है। ये मार्केट में नहीं मिलेगा आपको। तो इधर देख सकते हैं कि जो सीख कबाब है वो सब इधर रखा हुआ है, और बगल में इसे ऐसे फ्राई किया जा रहा है, और एकदम लग रहा है कि आज हम लोग किसी फैक्ट्री में आए हैं। जिस तरीके से यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है खाने का, लग रहा है कि हम लोग किसी फैक्ट्री में आए हुए हैं। और शेफ, उधर क्या चल रहा है? उधर सामने में उधर उधर भी किचन है, अलग आइटम है वो सब, मल्टी क्विजन है। नहीं, इधर इधर ये जो ये लोग जो पैक कर रहे हैं, कौन सी? ये तंदूर के ही आइटम। अच्छा, उधर पैकिंग चल रहा है? इधर भी जो है, इधर भी पैकिंग चल रहा है ऑर्डर के हिसाब से। किसी का मलाई टिक्का, किसी का चिकन टिक्का, किसी का कुछ, मतलब कि वैसे पैक कर कर करके रखते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ पैकिंग चल रहा है साथ के साथ। इधर आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, इधर ये देखिए, ये जो चिकन वगैरह ये रखा गया है, और ऐसे यहाँ एकदम कंटिन्यूसली पैकिंग वैकिंग चल रहा है एकदम तेज़ी से। ऑर्डर पे ऑर्डर उधर गिर रहा है, और इधर जो पैकिंग है ये चल रहा है। क्या बात है! और इस तरीके से पैक करके सारा कुछ रखा गया है, ये देख सकते हैं। और इधर जो है ये हो गया तंदूरी चिकन। ये क्या डाल रहे हैं इसके ऊपर? क्रीम है, ये क्रीम डालेगा। इसके बाद अभी बिहार के हुए हैं? हाँ जी, हम सीतामढ़ी जिला गए। अरे, सीतामढ़ी जिला के? देखिए, हम लोग भी वहीं गए। तो बिहार के लोग हर जगह हम लोग को मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया। ये हो गया बटर, ये हो गया बटर, एक क्रीम है। यहाँ भी आपके बहुत सारे शेफ लोग बिहार से हैं? हाँ जी, बहुत है, सारे बहुत शेफ हमारे बिहार का यहाँ। जो फ्राइड आइटम था और जो तंदूरी आइटम वाला काउंटर था, जो किचन था बेसिकली, वहाँ से हम लोग बाहर निकल चुके हैं। और इधर क्या है शेफ? मल्टी क्विजीन। मल्टी क्विजीन है इसमें हमारा, लखनवी गलौटी कबाब है। अच्छा। उसके बाद में साते चिकन है, जो थाईलैंड का डिश है। अच्छा। उसके बाद ग्रिल चिकन है, ग्रिल चिकन, ग्रिल फिश। हम लोग अंदर चल के देखते हुए बात करते हैं। तो देसी फूड तो है ही, बढ़िया बढ़िया मटन चिकन, बटर चिकन, तवा आइटम, साथ ही साथ यहाँ आपको मल्टी क्विजीन का मज़ा भी मिल रहा है, और यहाँ का भी माहौल नेक्स्ट लेवल। इधर जो है मटन गलौटी कबाब, गलौटी कबाब है। हाँ, इसके साथ में उल्टा तवा का पराठा होता है, या लखनवी पराठा हम जिसे बोलते हैं। अच्छा। वो पराठा है, वो सर्व करते हैं इसके साथ में। लखनऊ भी हम लोग जाने वाले थे, उससे पहले ही आज हम लोग गलौटी कबाब देखे। हाँ, लखनऊ में टुंडे कबाब वगैरह वगैरह इसको बोलते हैं, वही हमारा गलौटी कबाब है। आइलैंड का है डिश, जो हम इंडियन में डबिंग किए हैं। और ये चिकन साते हैं, इसके ऊपर अलग होता है। अच्छा। तो ये भी कस्टमर को बहुत डिमांड है, बहुत पसंद करते हैं ये गलौटी चिकन साते। और यहाँ पे हमारा भेज गलौटी भी है। जब वेजिटेरियन कस्टमर डिमांड करा कि हमारे लिए क्या है, तो उनके लिए हमने वो भेज गलौटी का ऑप्शन दिया। हाँ, अच्छा निकल रहा है भेज गलौटी कबाब। ये देसी घी में बनता है? हाँ, देसी घी। हाँ, तो ये देसी घी, प्रॉपर देसी घी में बनते हैं। देख सकते हैं इधर जो है ये वेज गलौटी कबाब बन रहा है, और इधर जो मटन का गलौटी कबाब है ये बन रहा है। जो रेट है इसका 330 रुपीज़ होता है चार पीस के लिए। और इधर जो है ये बन रहा है चिकन सौते। नेक्स्ट ये हो गया ग्रिल्ड फिश का काउंटर। हाँ, ग्रिल फिश, अमृतसरी तवा फिश। अच्छा। और ये कॉन्टिनेंटल है, और कस्टमर का बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके साथ में हम वेजिटेबल सर्व करते हैं। ये अमृतसरी तवा फिश है। अमृतसरी तवा फिश? हाँ जी, हाँ जी, अमृतसरी तवा फिश प्लस ग्रिल फिश है। और ये जो सामने ये जो पूरा भीड़ देख रहे हैं, ये सब आप ही लोग का खाने के लिए है? हाँ जी, हाँ जी, सारे जितने भी कस्टमर है, ये मार्केट सिर्फ इसी के नाम से चलता है बस। अच्छा। ये जो सारा क्राउड है, ये मतलब सब यहीं पे राजेंद्र ढाबा का खाना खाने के लिए आते हैं, और इसी की वजह से सारे जितने भी गाड़ी सारी है सब इन्हीं की वजह से होता है। और ये हमारा रही है शवरमा रोल, चिकन शवरमा रोल। चिकन शवरमा रोल ये अरबी एक डिश है, ये तो आप कॉमन हो गया। हाँ, हाँ, है तो ये भी लोग बहुत डिमांड करते हैं कस्टमर। मतलब कोई डिश आप लोग छोड़े नहीं है, हर कुछ यहाँ रखे हुए हैं। ये भी अच्छा खासा निकलता है। ये भी वही हो गया ना, चिकन शवरमा? हाँ, चिकन शवरमा ही है। कोई भी डिश यहाँ छूटा नहीं है, आपको जो चाहिए सब कुछ यहाँ आ जाइए। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आइए। उसी हर साल हम नए नए डिश लॉन्च करते हैं। अच्छा। तो मतलब कि हम भी सोचते हैं कस्टमर को पूरा फैसिलिटी दे, ताकि कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े, सारे कुछ यहीं मिल जाए। तो कुछ काउंटर बचा कि सब कुछ कवर कर लिया हमने? है अभी, और है अभी। हाँ, ये कवर। अच्छा है। ये हो गया आपका मोमो काउंटर। हाँ जी, ये मोमो का काउंटर है, वेज मोमो, चिकन मोमो, ये अलग ही सेक्शन है हमारा मोमोज का। हम लोग आ चुके हैं काउंटर नंबर 8 पर। हाँ, 1 पे। और ये चाइनीज कॉन्टी मल्टी क्विजन टाइप का हमारा है, ये प्रॉपर चाइनीज है, उसके साथ में इंडियन भी है। अच्छा। कॉन्टी का आइटम भी है, मिक्स मतलब कर रखे हैं इसमें। जो स्पेशल आइटम होता है वो अलग से लॉन्च करते हैं, तो यही करते हैं। जैसे कि हांडी वगैरह भी दिख रहा है, हांडी बिरयानी है, मतलब कि मटका बिरयानी, हांडी चिकन, हांडी मटन,
उसके बाद में ग्रिल चिकन, पैडी पैडी चिकन, टर्किश कबाब सब है, राड़ा चिकन, राड़ा मटन, ये सब है। चाइनीज है, चाइनीज का टोटल आइटम मिलते हैं अंदर में। वो हांडी में बिरयानी बन रहा है। हाँ, बिरयानी है। चल के देखते हैं अंदर, चल के जरा अच्छे से देखते हैं हम लोग। तो ये जो है, ये है सेक्शन नंबर 8 और यहाँ जो प्रोडक्शन है वो चल रहा है बिरयानी का। और ये देखिए, ये इस हांडी में कंटिन्यूसली जो बिरयानी है वो चल रहा है, इस चीज़ को भी छोड़ा नहीं गया। इवन बिरयानी भी यहाँ हांडी में प्रिपेयर हो रहा है, हांडी चिकन, हांडी मटन, जो बिरयानी चाहिए आपको वो मिलेगा। तो ये जो बिरयानी सब है ये बनता भी हांडी के अंदर है। इसको ना हम हाफ डन करके रखते हैं, उसके बाद में इसमें डाल करके फिर दम देते हैं इसमें। अच्छा, फुल डन करते हैं हांडी में। हाफ डन करके कहाँ रखा हुआ है? हाफ डन करके अलग रखते हैं इसमें। अच्छा, इसमें हाफ डन करके रखे हुए हैं, जब ऑर्डर आया तो फुल प्रिपेयर करके दे दिए। एक बिरयानी जरा खोल के दिखाइए अंदर का। खोल के कुछ प्लेट दे। बिरयानी के अंदर का लुक अभी आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, ये गार्निश है, अंडा है। कि हैदराबादी स्टाइल का बिरयानी है, नहीं पुदीना पत्ता वगैरह दिख रहा है। हाँ, मतलब इसको हमने अपने स्टाइल से बनाए हैं। ये कोई मतलब कोलकाता हैदराबादी लखनवी ऐसा कुछ नहीं, हंडी हम बनाए हैं, दम बिरयानी बनाए हैं इसको हम। अच्छा, ये मटन बिरयानी है, साथ में हम ये ग्रेवी सर्व करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री शोरबा, शोरबा होता है। हाँ, इसके ग्रेवी होते हैं इसके साथ। खोल, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री ग्रेवी मिलता है। मटन बिरयानी ले, चिकन बिरयानी ले, कुछ भी ले। हाँ, कुछ भी लो, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी। रेट क्या होता है खांडी बिरयानी का? ये 350 प्लस है। 350 रुपये होता है। हाँ, तो 350 का अप्रॉक्स रेट है एक हांडी बिरयानी का। ठीक है, क्वांटिटी और क्वालिटी हमारा बहुत अच्छा होता है, क्वांटिटी भी अच्छा है। अच्छा, और कस्टमर भी डिमांड भी करते हैं, खुश होके जाते हैं, मतलब जो भी कुछ खाते हैं। तो करीब 150-200 हमारा निकल जाता है बिरयानी हंडी का। 150-200 मतलब हंडी वाला? ये हंडी, हंडी निकल जाते हैं। ठीक, और बाकी जो है इधर हो गया इनका चाइनीज वाला सेक्शन, उधर तवा वाला तो आपको दिखाए हैं। इधर जो है चाइनीज डिश जो है बन रहा है, तो कुछ भी नहीं यहाँ बचा है, जो चाहिए आपको वो मिलेगा। चिकन ड्राई बन रहा है अभी, देखिए चिली चिकन ड्राई। हाँ, चिली चिकन बन रहा है ये। ऐसा कोई आइटम है जो मतलब बचा नहीं? अभी नया नया लॉन्च करेंगे, अभी तो है बहुत बचा। और नया नया लॉन्च करने वाला? हाँ, जो मार्केट में नहीं है वो हम खुद ही मतलब कि बनाते हैं रेसिपी। ये कौन सा आइटम बन रहा है अभी? ये ग्रिल चिकन है। ग्रिल चिकन? हाँ जी, ग्रिल चिकन और पेरी पेरी चिकन। तो बगल में वो हो गया पेरी पेरी चिकन। हाँ, ये पेरी पेरी चिकन साउथ अफ्रीका का डिश है। अच्छा, पैरी पैरी एक मिर्ची का नाम है, चिल्ली का। ठीक है, उसी के नाम से मतलब कि ये डिश निकाले हैं, मसाला उसी का बनाते हैं। पैरी पैरी सॉस देते हैं इसके साथ में, और उसी के साथ में हम चिकन मैरिनेट करते हैं पैरी पैरी सॉस के साथ में। और ये ग्रिल चिकन कॉन्टिनेंटल हो गया आपका, यानी कि अमेरिका वगैरह में जो होता है, इटालियन वगैरह में ये ग्रिल चिकन बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट ही हमने मल्टी क्यूजन बना दिया ढाबा को, ढाबा इंटरनेशनल ढाबा हो गया। हाँ, इंटरनेशनल ढाबा हो गया। हाँ, तो इसको पे जो लोग हैं वो बैठ के खा रहे हैं। हाँ हाँ, जहाँ मर्जी जो मिल जाए वहीं बैठते हैं, वहीं खाते हैं, गाड़ी में, फुटपाथ पे, अभी लोग इंजॉय करते हैं। ये नहीं कि मतलब कि वो है, बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पे बरांडे पे बैठ के खाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। हमारा रेस्टोरेंट भी है, अभी थोड़ा लॉज है, बाद में खुलेंगे। तो बाकी लोग पसंद करते हैं बाहर खाने का, जहाँ मिल जाए जगह बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, पूरा इंजॉय, बोनट पे रख के खाते हैं और फुल्ली इंजॉय करते हैं। ढाबा का मजा भी तो तभी है ना। हाँ, प्रॉपर एसी में बैठ के भाई, ढाबा ढाबा कहाँ रहा? नहीं नहीं, यहाँ तो लोग पसीना निकलते रहते हैं। सही बात, बहुत इंजॉय करते हैं, मजा आ गया सब कुछ आज देख के। तो जो सारा टूर है वो हम लोग कर लिए, आप लोग दोनों वीडियोस में देखे होंगे, जो फर्स्ट वीडियो आया था उस वीडियो में भी और इसमें भी सारा टूर हम लोग करवाए हैं। जो यहाँ के हेड शेफ है नारायण जी, और आप भी बिहार से हैं? हाँ जी, बिहार से हैं, मधुबनी जयनगर से हैं। अच्छा, बिहारी लोग हर जगह छाए हुए हैं, बिहारी लोग हर जगह आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग करते हैं कुछ टेस्टिंग और उसके बाद इस वीडियो को करेंगे खत्म। बहुत घूमना हो गया, अब कुछ कुछ डिशेज को निकलवाए हैं टेस्टिंग के लिए। ये हो गया दही के कबाब, जो कि वो बताएं यहाँ का स्पेशलिटी है। नेक्स्ट ये हो गया चिकन सौते, ये हो गया चिकन विंग्स फ्राई। इसी विंग्स फ्राई से राजेंद्र द ढाबा की शुरुआत हुई। तो ये वही विंग्स है जिसकी बुनियाद पे आज इतना बड़ा ये जो पूरा साम्राज्य है राजेंद्र द ढाबा का, वो रखा गया। नेक्स्ट हो गया ये सीख कबाब, और ये हो गया फ़िश फ्राई। ये विंग्स और ये फ़िश फ्राई, इसी दोनों से शुरुआत हुई थी राजेंद्र द ढाबा की। तो इन दोनों को साथ में रखना ज़रूरी है।
अलग नहीं होने चाहिए। और ये हो गया गलौटी कबाब, जो कि हम लोग लखनऊ में तो खाने वाले थे, बट उससे पहले यहीं पर खाने वाले हैं अब। और साथ में मिलता है ये पराठा। तो सबसे पहले तो हम लेने वाले हैं गलौटी कबाब का स्वाद इस पराठा के साथ, क्योंकि यार ये खाने का तो मतलब ड्रीम था हम लोग का इतना। आह आह आह, क्या बेहतरीन सा गलौटी कबाब लग रहा है। करते हैं फटाफट अब इसका टेस्टिंग। गलौटी कबाब का मतलब ही होता है कि आप खाइए और वो घुल जाए, और अपने डेफिनेशन पे बिल्कुल खड़ा उतरा। वाह हाँ, ज़बरदस्त। ऊपर का ये जो है ये हल्का हार्ड जैसा लेयर है, अंदर का मलाई जैसा सॉफ्ट। ये ऐसे उठाया जाए, ऐसे किया जाए, और अब इसे ऐसे अंदर डाला जाए। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं ये जो चिकन विंग्स है, इसे थोड़ा सा ये चटनी में इसे डिप करके खाते हैं। बहुत कोई हैवी मसालों का यूज़ नहीं किया गया है इसमें। अंदर से चिकन जो है बिल्कुल सॉफ्ट है, और ऊपर में थोड़ा सा आपको क्रंच आने वाला है। बहुत स्पाइसी या चटपटा ऐसा कुछ ये है नहीं। बहुत बढ़िया, लाइट सा। अब नेक्स्ट ये थोड़ा सा फिश भी ट्राई कर लिया जाए। ऑलमोस्ट सिमिलर टेस्ट है, बाकी फिश और चिकन का जो अपना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है वो तो आएगा ही, बट जो मसालों का टेस्ट है, मैरिनेशन है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये थोड़ा सा चटनी में डुबा के खाया जाए। ये सच में बढ़िया है। आज इस ढाबा का जो पहला वेजिटेरियन फूड है वो खाएं, टेस्ट सच में बढ़िया है। लास्ट में ये मायूस से बैठा बस एक कबाब को ट्राई कर ही लेते हैं, फिर करते हैं फटाफट वीडियो ख़त्म। और दिल्ली के रहने वाले हैं आप, यहाँ आके खा चुके हैं, या दिल्ली के नहीं भी रहने वाले हैं आप आके खा चुके हैं, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। हाईली रिकमेंडेड जगह था, बहुत लोग बताए थे इस जगह के बारे में, कॉमेंट सेक्शन में भी बहुत लोगों का आया था कि राजेंद्र ढाबा को कवर कीजिए, मज़ा आ गया। दिल से कह रहे हैं मज़ा आ गया, वैसे मेरे भी बकेट लिस्ट में था यहाँ आना ही। लोग भी इतना कमेंट किया तो और मोटिवेशन मिला कि इस जगह को कवर करना ही, और दिल खुश हो गया। दिल से कह रहे हैं दिल खुश हो गया यहाँ आके, क्या माहौल था, ऐसा माहौल लाइफ में पहले कभी देखे नहीं है। एक छत छत भी नहीं कहेंगे, सब कुछ खुला खुला है। तो एक ही जगह पर इतना सारा कुछ, इतना डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, और सब अपने में अल्टीमेट, मज़ा आ गया। तो कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा, अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस इस ढाबे का वो शेयर कीजिए। ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच।